जम्मू कश्मीर के निदेशक पर्यटन डॉक्टर जीएन इटू ने आज रिंजी पट्टन में उन्नत पर्यटन कैफेटेरिया खोला, जो आज जनता को समर्पित किया गया। उद्घाटन समारोह में एसडीपीएम पट्टन, एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरी खबर देखें विस्तार से। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, जहां हमने टूरिस्ट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी जगहों पे हमारे जो है वे साइड फैसिलिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारे कैफेटेरियाज़ हैं। तो आज हमने यहां पे रिंजी पट्टन के पास जो हमारा कैफेटेरिया पहले का बना हुआ था, इसमें काफ़ी रेनोवेशन रिपेयर्स की ज़रूरत थी, तो इसको बाकायदा तौर जो है डिपार्टमेंट ने रेनोवेट करवाया, और आज हमने यहाँ पर जो है इसको दोबारा से लॉन्च किया है, पब्लिक के लिए डेडिकेट किया है। मेरे साथ एसडीएम साहब हैं, यहाँ के तहसीलदार साहब हैं, ये हमारे इंजीनियरिंग के लोग हैं, तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। खासतौर से जब मैं यहाँ पे डीसी था, तो मेरी भी उस वक्त भी ख्वाहिश यही थी कि एक अच्छी वी साइड फैसिलिटी है। अगर आप देखेंगे पूरा कुपवारा से लेकर के श्रीनगर तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ कोई हमारा टूरिस्ट हो या लोकल ट्रैवलर हो वो बैठे या कोई फैसिलिटी अवेल करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने इसको आउटसोर्स पे दिया है वो इसको बेहतरीन तरीके पे चलाएंगे, हमारी भी उसको मॉनिटरिंग रहेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा दे पाए, अच्छी सर्विसेज दे पाए, सफाई सुथराई का ख्याल रखे। मुझे पूरी उम्मीद है उसमें डिपार्टमेंट भी उसको जो है वो सपोर्ट करेगा, हमारी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें सपोर्ट करेगी उसको। लेकिन एक चीज़ का जो है वो हम उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसमें डिपार्टमेंट भी पर्टिकुलर होगा, ये क्वालिटी सर्विसेज और ख़ासतौर से सफाई सुथराई का वो المعلمين شیرباغ اسلام آباد زیر اشراف جمعیت اہل حدیث تحصیل اسلام آباد جہاں داخلہ شروع ہو چکا ہے یہاں پر عربی زبان کے علاوہ علوم القرآن علوم الحدیث علوم الفقہ عقیدہ سیرت نبویہ اور تربیت اسلامیہ پڑھائے جاتے ہیں یاد رہے درس تدریس کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فارغ اساتذہ کی خدمات میسر ہیں کلاسز صرف اتوار کو لیے جاتے ہیں خواہش مند طلبہ و طالبات آج ہی سے دفتر حاضر سے فارم حاصل کر سکتے ہیں یا ان فون نمبرات پر رابطہ کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔